ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आए हैं हम आज फिर से नो कांटेक्ट पे एक रीडिंग लेके। ये रीडिंग एक लगभग एक वीक के लिए एप्लीकेबल होगी, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है आपके पार्टनर की मेन एनर्जी, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या एक्चुअली वो अभी इस नो कांटेक्ट में आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो वापसी करना चाहते हैं, या अभी भी वो अपने इसी सेपरेशन मोड को या ऑन ऑफ मोड को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी मिलेगी इस रीडिंग से, प्लस हम आपके लिए एक लव गाइडेंस भी लेंगे, जहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हैं, आप अपनी सिचुएशन में, अपने सिनेरियो में, अपनी पूरी लाइफ को किस तरह से लीड कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स में क्या गलती कर रहे हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी और आपको इस रीडिंग से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। दूसरा मैं आपको कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि जिन्होंने भी ये चैनल पे फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। प्लीज़ इस चैनल पे आप मेरी रीडिंग्स को पसंद करते हो तो प्लीज़ उसे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करें, तो उसी से मुझे पता लगेगा कि मेरा किस तरह से लोगों को वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, तो मेरे को भी एक पॉजिटिविटी आती है। दूसरा, मेरा चैनल ग्रो होने में मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। सो अब लास्ट में इस रीडिंग को एक जनरल रीडिंग की तरह लेना है, ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ आपको अपने ऊपर फोर्स नहीं करनी है, ना ही आपने इसे एक प्रेशर की तरह लेना है कि मैम ने ये बोल दिया तो यही होगा, क्योंकि ये आप लोगों की पर्सनल रीडिंग नहीं है। सन, मून, साइन या नाम राशि, जिसके भी अकॉर्डिंग आपको जो सा साइन आपको परफेक्ट लगता है, आपके ऊपर उसकी रीडिंग सेट जाती है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले मैं आप ही की सिचुएशन बताऊंगी। सो आपकी अगर करंट सिचुएशन मैच होती है तभी आप रीडिंग को फर्दर देखें। सो ये रीडिंग को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बाकी पर्सनल नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसके लिए, रीडिंग के लिए। सो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। सो लियो, आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि स्नो कांटेक्ट में आपकी क्या एनर्जी है और आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपकी खुद की एनर्जी से, आपके लिए क्या दिख रहा है। द हाई प्रीस्टेस, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे तो यहाँ पे लियो कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में इस टाइम ऐसे मुकाम पर पहुँच गए हैं जहाँ पे अब आप इस नो कांटेक्ट में ना सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, या तो सिचुएशन इतनी टॉक्सिक हो गई, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई कि आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब किसी के बारे में नहीं सोचना। इनफैक्ट आप बहुत ज़्यादा पेन में भी हैं। यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो ये कोई आसान तो नहीं है आपके लिए भी इस सिचुएशन में चीज़ों को देखना और हैंडल करना। मुझे तो ये दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे मैंने हमेशा अपने पार्टनर के बारे में बहुत सोचा है और हमेशा उसके साथ दूर तक चलने का, फ्यूचर को, इनफैक्ट मैरिज, बच्चे, ये सब चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा सोची, लेकिन कहीं ना कहीं आपको या तो बदले में वो सब चीज़ें मिली नहीं और स्टेबिलिटी के नाम पर आपको बस अकेलापन मिला या स्ट्रेस मिला। तो अब आप शायद वो स्टेबिलिटी सोच रहे हैं कि जब मेरी लाइफ में इस पर्सन ने नहीं दी तो एटलीस्ट मैं खुद तो क्रिएट करूं। आप अपने आप को खुद संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने जॉब, मनी, करियर पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं कहीं ना कहीं इस पर्सन के ऊपर ध्यान देकर अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुका हूँ और या कर चुकी हूँ। सो अब मुझे कहीं ना कहीं फोकस करना होगा खुद पे। तो आपका जो पूरा फोकस है वो मुझे खुद के ऊपर, अपने ऊपर, सेल्फ लव में दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि आप ज़्यादा टाइम किसी को इस टाइम नहीं देना चाहते, ठीक है। अगला देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी फॉर नेक्स्ट वन वीक। क्या वो भी ऐसे ही सोच रहे हैं, वो भी अभी इस टाइम सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लगे हैं, या उनके माइंड में कोई और बात है। सो लियो राशि के पार्टनर के क्या है इस नो कांटेक्ट में एनर्जी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। लियो के दो कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स, एट ऑफ कॉइन्स, टेन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द सन।
देखिए आपके पार्टनर तो मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं, सबसे पहली बात। आप जितना ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा दो तरह की सिचुएशन समझाना चाहती हूँ। सो यहाँ पर आप लोगों को एक आई ओपनिंग रीडिंग भी हो सकती है बहुत सारे लियोज के लिए। लियोज यहाँ पे दो तरह की सिचुएशन है, सो मैं आपको बहुत क्लियर करूँ। नंबर वन सिनेरियो जो यहाँ पर दिख रहा है, एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो कहीं ना कहीं आपने शायद, या आप दोनों के झगड़ों में एक नो कॉन्टैक्ट ज़रूर आ गया है, लेकिन ये पर्सन अभी भी बहुत ज़्यादा श्योर है आपको लेके कि ये जो हमारे बीच में नो कॉन्टैक्ट आया ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है और यहाँ से मुझे आगे होना है, बढ़ना है, दोबारा से आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है, सेपरेशन को ख़त्म करना है, ऑन ऑफ को ख़त्म करना है, इस रिलेशनशिप पे फिर से काम करके इसे एक अच्छे मुकाम तक, अच्छे लेवल तक लेके जाना है। एक सिचुएशन मुझे ये दिख रही है। वहीं दूसरी ओर मुझे एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा इस नो कॉन्टैक्ट में आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करता था, जिसके माइंड में अभी सिर्फ ये है कि मेरे को लियो ने छोड़ दिया तो क्या हुआ, मेरे पास एक और ऑप्शन है। सो ये अपनी खुद की फैमिली में, अपनी खुद की लाइफ में, अपनी सिचुएशन में बिजी है और वहाँ पर ही अपना पूरा एफर्ट डाल रहा है। सो ये अपने पे फोकस्ड है, अपने फ्यूचर पे फोकस है। अब आप देखिए लियो कौन सी सिचुएशन आपके साथ मैच करती है आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एक तरह से एक एक्स्ट्रा मैरिटल की बात हो गई जहाँ पर ये पर्सन कुछ इस तरह के सिचुएशन में है, ठीक है, ये दिख रहा है। अगला देखते हैं क्या है आपके लिए अब लव ओरेकल से, क्या गाइडेंस निकल कर आती है, ठीक है। सो लव ओरेकल से हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे। फ्रीडम का कार्ड है, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वॉन्ट टू बी। देखिए हो सकता है कि लियो आप बहुत ज़्यादा अभी भी इनके बारे में सोच रहे हैं और अपनी लाइफ को आपने बहुत ज़्यादा इनके साथ, जैसे कहते हैं ना, चिपका के रखा हुआ है, जोड़ के रखा हुआ है, आप इनके बियॉन्ड सोच ही नहीं पाते। देखो कार्ड्स आपको कह रहे हैं आप इनके बियॉन्ड सोचना शुरू करो, अपने आप को फ्री करो, फ्रीडम में रखो, आपको कोई रोक नहीं रहा, आपका रास्ता क्लियर है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अभी भी रुके ही हुए हो इनके साथ। अगला कार्ड देखो क्या है, माय बिलवर्ड। यहाँ पर आपको का अगर ये फर्स्ट पार्टनर है लियो का, सो वो ये कह रहा है दो मे वी मे बी फिजिकली अपार्ट, तो हम कहीं ना कहीं ज़रूर डिस्टेंस वाइज दूर हैं, लेकिन हमारे जो हमारी जो स्पिरिचुअली है, वी आर ऑलवेज अलाइंड, हम एक दूसरे के साथ हैं, हम एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हैं। सो कुछ भी मिस नहीं हुआ, हाँ वक्त ने या स्पेस ने, टाइम ने हमें भले ही दूर कर दिया है इस टाइम, बट इवेंचुअली टाइमली सब कुछ ठीक हो जाएगा और वक्त हमें फिर से एक करेगा। सो ये उन लोगों के लिए है जिनका पार्टनर जेन्युइनली उनके साथ है और कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं है, किसी तरह से उन्हें चीट नहीं कर रहा या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, जिसके मन में लव है। सो यहाँ पर ये रीडिंग को हम करते हैं फ्रेंड्स कंप्लीट। और लियो राशि पसंद आई हो या क्लैरिटी मिली हो तो ज़रूर मुझे बताएं कि कैसी लगी ये रीडिंग। बाकी हम आपसे अगली रीडिंग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।